दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में खेती से जुड़ी कठिनाइयों के समाधान को प्रभावी इंतजाम किए हैं। कृषि विभाग मंडी के उपनिदेशक डॉक्टर जीतराम बताते हैं कि हाल ही के दिनों में 150 से ज्यादा किसानों ने कृषि विभाग की हेल्पलाइन का लाभ लिया है। अधिकतर मामलों में लोगों ने फसलों की बीमारी और कीटनाशकों के छिड़काव को लेकर सलाह ली है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिला में किसानों को 3,250 क्विंटल मक्की बीज और चरी व बाजरा का लगभग 4,600 क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया गया। मक्की व बाजरा पर 40 और चरी पर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दी गई। धान का 1,000 क्विंटल बीज बांटा जा रहा है। दवाइयां औजार इत्यादि वितरित किए जाने थे, तो जब भी वो कर्फ्यू का एग्जेम्पशन पीरियड रहता था उस शुरू शुरू में हमें 3 घंटे का ही समय मिल पाता था 10 से 1, जहाँ तक जिला मंडी का प्रश्न है। तो वहाँ पर हमने जो है वो अपने जो कृषि वितरण केंद्र थे उनको भी खोला और उसके माध्यम से किसानों तक उस वक्त मेनली जो है मुख्यतः हमारी सब्जियों की फसलें, जिसमें कि मुख्यतः जो मटर रहता है, भिंडी है, टमाटर इत्यादि जो उनके जो बीज किसानों में वितरित किए। उसके उपरांत चूँकि खरीफ की बुवाई का भी समय जा रहा था और हमारा काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड बीज, जहाँ तक हम चारा की फसलों की बात करें या मक्की की फसल की बात करें, उसके लिए हमें जो है वो हैदराबाद बेस्ड जो सप्लायर है उन पर जो है वो निर्भर रहना पड़ता है। तो हमने समय का सदुपयोग करते हुए जो हमारी मांग थी जिला की, जैसे मैं मक्की की बात करूँ तो लगभग हमारा 3,000 क्विंटल के इर्द गिर्द जो है वो जिला मंडी में मक्की के हाइब्रिड बीज की खपत रहती है। उसके एवज में अब हम वर्तमान तक, मैं कहूँ तो आज की तारीख की बात कर रहा हूँ 15 मई की, अभी तक हम लगभग 3,250 क्विंटल जो है मक्की का हाइब्रिड बीज जो है वितरण कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ तक चारा की फसलें हैं मुख्यतः उसमें जो चरी एवं बाजरा आती है, उसकी हमारी मांग लगभग जो है वो, जैसे मैं पिछले वर्ष की बात करूं और इस वर्ष से तुलना करूं, तो वो 4,500 क्विंटल जो है उसकी मांग रहती है। और उसके मुकाबले हम जो है अभी तक जो है वो 4,700 क्विंटल जो है हम चारा की फसलों का जो बीज उपलब्ध करवाने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो मुख्यतः फसल हमारी इस खरीफ की है वो धान की रहती है, उसका हमारा लगभग 900 क्विंटल जो हमारी कंपोजिट वैरायटी हैं या बासमती वैरायटीज हैं उनका बीज हम उपलब्ध करवाते हैं। अरे ये क्या कर रही हो, क्यों क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर, प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।